सुबह का जब दूध आता है तो साथ ही मैं चाय भी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आटा गूंथती हूँ। सबसे पहले तो मैं तलावा लगाती हूँ, फिर किचन में आती हूँ, फिर किचन का काम करती हूँ, फिर मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ हल्का फुल्का। उसके बाद मैंने मूली वाला मसाला बनाया, पराठे, शाम का सालन बेटे ने बनाया, रोटियाँ मैंने बनाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अभी आ रही है मेरे हस्बैंड की कॉल, तो उनसे बात कर रही थी, हाल वाल पूछे, नाश्ते का पूछा। तो जब हमारे 12 बजते तो उनके 10 बज जाते हैं। सऊदी अरब में 2 घंटे का टाइम का फ़र्क है। तो मैं बता रही थी मैंने आज बच्चों के लिए नाश्ते में मूली वाले पराठे बनाने और मूली वगैरह छीलने लगी। वो जा रहे थे मार्केट से सामान लेने, तो कॉल बंद हो गई। तो देखिए जी, माशाल्लाह ये मैं सऊदी अरब से लेके आई थी, ये कद्दू काच है। पहले मेरा एक और प्लास्टिक का कद्दू काच था, लेकिन ये जब मैं उम्रे पे गई थी तो ये वाला कद्दू काच लेके आई थी। सेल में गए थे, 5-10 रियाल वाली सेल में गए, तो मुझे ये कद्दू काच बहुत ही अच्छा लगा, फिर मैंने ले लिया। काफ़ी चीज़ें मैंने किचन की ली थी, थर्मस वगैरह भी लिए थे, कप ग्लास भी लिए थे। मुझे बहुत अच्छे जो अच्छी चीज़ें लगी, जो बर्तन मुझे अच्छे लगे वो मैंने सभी लिए थे। ये बहुत प्यारा था। वहाँ से मैं बहुत सारी शॉपिंग भी करके आई थी जब उम्रे से आई थी। तो आज वीडियो में भी ये वाला कद्दू काच दिखाती हूँ। पहले एक और था कद्दू काच, तो ये वाला बहुत अच्छा कद्दू काच है, बहुत अच्छी जो है ना मूलिया कद्दू काच हो रही है। और नीचे साथ एक बॉल भी है, उसके अंदर ही वो मूलिया कद्दू काच होके जा रही है उसके अंदर ही। तो मैंने कहा चले आज बच्चों को मूली वाले पराठे बना के देती हूँ। मूलिया में कद्दू काच कर रही थी, तो जी मूलिया कद्दू काच होगी। फिर मैंने मसाला बनाया, जैन इब्राहिम भी उठ गए हैं, तो वो जैन ने सारे खिलौने लाइन से लगा दिए। जैन इब्राहिम दोनों खुश हो रहे हैं, बड़े खुश खड़े हैं। खिलौने देखिए कैसे खिलौने एक साइड पे और लाइन में लगा दिए। इधर मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए। एक बेटा तो कहता था मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से पहले 2 सादा रोटी पराठे बना दो। मैंने उसके लिए 2 सादा रोटी बनाई, वो खाने लग गया। फिर मैंने बाकी सब के लिए मूली वाले पराठे बनाने शुरू कर दिए। बहुत ही मज़े का स्पाइसी मसाला बनाया है, मूली वाला मसाले वगैरह डाल के, धनिया शनिया डाल के, मिर्चें काट के मसाला बना के रखा है मैंने। तो अभी मैं बना रही थी, सभी लेट उठे हैं, तो मैं अभी बना रही थी मूली वाले पराठे। हाँ ये मेरी बहू सही कह रही है, खाना भी मैं ही बनाती हूँ, नाश्ता भी मैं ही बनाती हूँ, बाकी कोई और चीज़ नहीं है तो ये बनाती हूँ। तो ये भी मेरे साथ करवाती हैं, बेटे भी करवाते हैं माशाल्लाह। तो लेकिन पराठे जो बच्चे मेरे हाथ के पसंद करते हैं, वो कहते हैं मामा आप ही बनाओ रोटी। अभी इनको बहू रानियाँ को नहीं बनानी आती सही तरीके से, लेकिन मैं ही पराठे वगैरह बनाती हूँ। जब सब उठ के आ जाते हैं, अपने अपने कमरों से निकल के आते हैं, तभी मैं ही बनाना किचन में आती हूँ, नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ उनके लिए। देखिए माशाल्लाह कितना स्पाइसी पराठा बना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मूली वाले पराठे की मैंने एक वीडियो लगाई थी, उसमें वो सारी रेसिपी बताई थी कि मूली वाले पराठे ऐसे बनाए जाते हैं। देखिए गुब्बारे जो सालगिरह के बाद बलून का ये हाल होता है, गुब्बारे बर्थडे के बाद बलून का ये हाल हो रहा है। खुश हो गया जैन ने सारे बलून जो है ना फाड़ दिए। आज बच्चों को काम से छुट्टी थी तो एक चिप्स बना रहा है, एक कह रहा है मामा मैं कि चिकन बनाता हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। तो चिकन पहले उसने थोड़ा सा 1 कप दूध का डाल के उसमें चिकन जो है ना डाल के रख दिया उबलने के लिए। कह रहा है इसमें सॉफ्ट हो जाता है चिकन। बाकी मज़े का चिकन बना था इसका। तो एक ने चिप्स बनाई है, बहू रानिया जो है बेटी है वो अपने वो दोस्त के घर गई हुई है सब। मैं ही अपने बेटे के पास हूँ और मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं मामा आज कुकिंग हम कर रहे हैं। देखिए कितनी प्यारी कुकिंग करता है मेरा बेटा छुट्टी वाले दिन काम पर वाले। देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा शौक है ऐसे कुकिंग करने का। सालन बन गया देखिए चिकन माशाल्लाह भी अपने स्टाइल में बनाता है। ये दूध भी डाल रहा है, दही भी डाल रहा है, बहुत कुछ डाल के सारे मसाले डाल के ये सालन बनाता है। देखिए चिकन हांडी बनाई है माशाल्लाह। सालन के ऊपर धनिया जब डालते हैं तो कितनी खूबसूरती आ जाती है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सालन लगता है, हरियाली हरियाली आ जाती है।
कितनी डेकोरेशन होगी। देखिए माशाल्लाह जी, रोटियां भी मैं बना रही थी और इधर देखिए चिकन हांडी भी माशाल्लाह तैयार हो गई है, बेटे ने कर दी है माशाल्लाह, मेरे साथ काम करवाया किचन में। आज छुट्टी का दिन था तो माशाल्लाह बेटों ने मेरे साथ मिलके काम करवाया है। ना काटी करो ताया, ना काटी करो, किधर काटी की ताया ने? ए बिन्नी बनावत भी ये था। अभी खाने लगे हैं खाना। सालन मजेदार है? नहीं चखे। इब्राहिम इब्राहिम भी खाना खा रहा है। कोको बादा पापड़ लेनी है, पापा को बताओ। कोको लेनी है, एकिम लेनी है, पापा को बता। जैन पत्ती इब्राहिम की शॉपिंग हो गई है। ये नई शर्ट सर्दियों वाली गर्म शर्ट पहन के देख रहे हैं। अबीरा की और इब्राहिम की सर्दियों की शॉपिंग हो गई है कम्प्लीट। ये अबीरा के गर्म सूट है सर्दियों के, इब्राहिम के अबीरा के छोटे छोटे बहुत ही प्यारे सूट। सॉक्स भी हैं बच्चों की, गर्म शल्डे हैं। बहुत प्यारे प्यारे सूट हैं। इब्राहिम सारे पहनने आपने हैं? वही इतनी प्यारी शर्ट लग रही है इब्राहिम को। ये पशम वाला सेट है बहुत ही प्यारा है, अबीरा का है पशम वाला छोटा सा, बहुत प्यारा सूट, गरम सूट है। कैप देखे कितनी प्यारी है, ये देखे पिंक कलर है, ये भी है। आधी से ज्यादा शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, बाकी जो रह गई है फिर वो बाद में होगी। अंदर आ गई है।